इसका साइलेंसर इतना छोटा दिया गया है। मैंने ये बाइक को ऑन किया तो ऑन करते ही आप देख सकते हैं। आज हम लोग बजाज के बाइक के बारे में बात करने जा रहे हैं। बाइकला में मैं आया हूँ, यहाँ पर बजाज का शोरूम है, राज बजाज, बाइकला ईस्ट में। आज जो हमने मॉडल लिया है यह है NS125। एक्चुअली NS200 और NS160 में आती थी, इसको 125 में लाया गया। वही सारा थ्रिल, वही कंफर्ट, सब कुछ है, एक बजट में लाया गया है। और डे टू डे लाइफ में जैसे कोई भी कम्यूटर डे टू डे ऑफिस जाना या काम पर जाना, तो उसका जो माइलेज वगैरह है वो सब भी, उसको भी ध्यान में रखते हुए इस बाइक को मॉडिफाई किया गया है। तो इस बाइक का हम लोग लुक देखते हैं। ये फ्रंट में ये लुक मिलता है, इसका विंड ब्लास्ट आपको ग्लास का मिलता है और उसी से लगा हुआ आपको साइड में मैट फिनिश में आपको साइड पैनल मिल जाता है। और उसके नीचे थोड़ा सा कर्व में एक आपको पॉइंटेड इसका हेडलैम्प मिल जाता है, हैलोजन हेडलैम्प है, जो कि डे टाइम में भी एक गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग भी वो जलता रहेगा। और इसको आप लो और हाई बीम पर अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इससे आगे आए तो यहाँ पर आपको ये नंबर प्लेट मिल जाता है, इनबिल्ट ये है, आपको फ्रंट में डिस्प्ले होता रहेगा। इसका जो मडगार्ड आप देखिए, मडगार्ड को कितनी खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है। ये जो मडगार्ड है, मैट फिनिश मडगार्ड के ऊपर आपको ये चेकर्ड डिज़ाइन मिल जाता है जो कि ग्लॉसी और मैट में है, तो इस मडगार्ड को थोड़ा सा एक अलग लुक दे दे रहा है ये डिज़ाइन जो है। अब इससे नीचे जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपको 5 स्पोक्स एलॉय व्हील मिलता है, लेकिन डुअल शेप में है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अलग दिया गया है, 5 स्पोक्स व्हील हैं लेकिन ये 10 हो जाते हैं बेसिकली। और यहाँ पर रिम पर आप देख सकते हैं, और उसके ऊपर रेड का आपको स्टिकर मिलता है, हाफ स्टिकर, जो राइड करते समय एक अलग ही एडवेंचरस फील देता है आपको। अब हम इससे आगे बढ़ें तो इसके लुक को देखते हैं। यहाँ जो आपका फ्यूल टैंक है उसको एरोडायनेमिक शेप दिया गया है, काफ़ी बल्कि और बड़ा लुक दिया गया है, कि एक स्पोर्टी बाइक की तरह से इसको बनाया गया हैवी लुक के साथ में। यहाँ पर आपको वाइट कलर का रेड जो फ्यूल टैंक है उस पर आपको वाइट स्टिकर्स मिल जाते हैं, जो बहुत मतलब एक यूनिक इसका जो लुक है वो बन जाता है। और दोनों साइड में आपको पल्सर के 3D लोगो मिलते हैं। अब हम इससे आगे बढ़ें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके इंजन को कूल रखने के लिए दोनों साइड में ये डिज़ाइन दिया गया है, लेकिन ये जो कूलर का काम भी कर रहा है और इसके लुक को भी इन्हेंस कर रहा है। अब हम इससे आगे बढ़ें, बैक साइड का इसका पैनल आपको ब्लैक मिलता है, उस पर रेड और वाइट से स्टिकर मिल जाता है, और इसके टेल पर NS125 का आपको स्टिकर मिलता है। इसमें आपको स्प्लिट सीट मिलती है, और यहाँ पर बैक में आपको रियर जो इसका मडगार्ड है, अगेन इसका चेकर बोर्ड डिज़ाइन के साथ में स्प्लिट में इसका मडगार्ड आ जाता है। तो ये था ओवरऑल इस बाइक का लुक। हम लोगों ने सबसे पहले बाइक के लुक को देखे, अब हम बात करते हैं इसके सेफ्टी और कंफर्ट का। तो हम लोग फ्रंट से शुरुआत करते हैं। इसका जो फ्रंट सस्पेंशन है वो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, जबकि इसका जो रियर सस्पेंशन है मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है, जो कि आपके कम्फर्ट के साथ साथ लुक को भी बढ़ाता है। अब हम बात करें इसके ब्रेक का, तो इसमें आपको फ्रंट में रोटोपेडल डिस्क ब्रेक मिल जाता है, जबकि रियर ब्रेक इसका ड्रम ब्रेक यूज हुआ है। इसमें आपको 12 वोल्ट का हैलोजन लैंप मिलता है, जिसके वजह से आपकी जो विजिबिलिटी है लो लाइट एरिया में भी वो काफ़ी क्लियर रहती है, और वो एक्सेलरेशन के साथ साथ उसका बीम हाई और लो होता है। अब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो यहाँ पर आप देखिए इसका साइलेंसर ही नहीं दिख रहा है, इसका साइलेंसर इतना छोटा दिया गया है, छोटे शेप में दिया गया है और इस तरह से एडजस्ट किया गया है। आप यहाँ देखिए छोटा साइलेंसर इसके इंजन के ठीक पीछे एडजस्ट कर दिया गया है, मोनोशॉक सस्पेंशन और इंजन के बीच में। तो इसका एडवांटेज ये हो जा रहा है कि पिलियन राइडर को साइलेंसर का गर्मी है वो नहीं लगेगा, और ये इसका जो साइलेंसर का एज है उसको इतना ऊपर दिया गया है कि इसका आधा व्हील डूब जाएगा पानी में, तब तक ये साइलेंसर में पानी नहीं जाएगा। तो यानी आप थोड़े वाटर लॉक्ड एरिया में भी इस बाइक को ईजिली ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टिकर के साथ में अंडरकाउल मिल जाता है, ये अंडरकाउल स्प्लिट में है, यानी आपका कैथलेटिक कन्वर्टर जो है इसके बीच में आ जाता है और ये स्प्लिट में है, इसके स्पोर्टी लुक को इन्हेंस ये काफ़ी अच्छा कर देता है। अब हम दूसरा इसके सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पर आपको कंपनी की तरफ से इनबिल्ट लेग गार्ड मिल जाता है। यहाँ पर हम इसके कम्फर्ट की बात करें, कम्फर्ट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी बाइक का उसका सीट, तो इसमें फोम की जो डेंसिटी है वो काफ़ी अच्छी है और स्लीक सीट है। आपको 2 लेवल सीट मिल जाता है जिसमें पिलियन राइडर और राइडर अपने अपने जोन में कंफर्टेबली ट्रेवल करते हैं, और इसमें आप देखिए डबल लेयर्ड
आपको यहाँ पर सीट मिलता है, एक लेयर ये हमने खींचा, एक लेयर इससे नीचे है। तो इसके इसका एडवांटेज ये हो जा रहा है कि जो सीट है वो ज़्यादा गर्म नहीं होगी लॉन्ग राइड में भी, और यहाँ पर प्लेन राइडर के लिए भी ये डिज़ाइन दिया है ताकि जो एयर का सर्कुलेशन है सीट में वो प्रॉपरली होता रहे। तो ये सीट काफ़ी अच्छी और काफ़ी इम्प्रेसिव है। एक राइडर के रूप में यदि आप देखिए तो यदि आपकी थाई इस तरह से लगती भी हैं तो जो आपका एयर सर्कुलेशन है इन साइड में वो प्रॉपरली होता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। और कम हाइट का आदमी भी इजिली इसका जो थाइज है वो इसमें एडजस्ट हो जा रहा है। तो बाइक को लुक तो आपको बल्कि मिल रही है, हैवी लुक मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो राइडर है उसका कंफर्ट कहीं से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है। और दूसरा हम इसके लीड की बात करें तो इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि बारिश में इसके अंदर पानी ना जाए, क्योंकि जब हैवी रेनफॉल होता है जिस एरिया में भी होता हो तो इसमें पानी चला जाता है। तो इसलिए इसका डिज़ाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इसके अंदर कहीं से भी वाटर लीकेज ना हो, अदरवाइज़ क्या इंजन बंद होने लग जाता है। अब हम बात करें इसके टेल लैंप का, तो आपको स्लीक पैटर्न में आपको इसका एलईडी टेल लैंप मिल जाएगा। और इस टेल लैंप का आप देख प्लेन नहीं है, यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर के साथ में इसका आता है। बेसिकली ये इसके लुक को इम्प्रूव करने के लिए है और जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो भी काफ़ी बढ़ जाता है। आपके पीछे जो भी व्हीकल्स हैं उनके सामने आपका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस हो जाता है इस टेल लैंप से। और लेफ्ट साइड में आपको कंपनी की तरफ से ही इनबिल्ट आपको सारी गार्ड मिल जाता है, जिसमें लेडीज या लड़की जब कोई भी बैठती है तो उसका दुपट्टा वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए, व्हील में जाने से बचाने के लिए ये आपको सारी गार्ड मिल जा रहा है। और यहाँ पर आप देखिए फ्यूल टैंक पर ही आपको रबर पैड मिल जाता है। इसका एडवांटेज ये है कि गर्मी में जैसे कोई भी मेटेलिक चीज़ जो होती है वो ज़्यादा गर्म हो जाती है गर्मी या ठंडी में, तो यहाँ पर जो ये रबर ग्रिप है इसका एडवांटेज ये हो जाएगा कि जो बहुत गर्म वाला एरिया है जहाँ धूप होती हो वहाँ पर भी राइडर को एक कम्फर्ट देता है, उसको गर्मी से बचाता है और ठंड के मौसम में भी उससे बचाता है। तो ये एक काफ़ी अच्छा हो जाता है और जो बाइक के ऊपर ग्रिप है वो भी काफ़ी अच्छा इंप्रूव हो जा रहा है। फ्रंट में आपको MRF का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है 80x100 का, जबकि रियर टायर थोड़ा सा वाइडर हो जाता है 90x100 का मिलता है। MRF का ही टायर है, आगे और पीछे दोनों में यूज किया गया है। अब हम बात करें ग्रैब बार का, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लोज नहीं है, ओपन ग्रैब बार मिलता है दोनों साइड में आपको ओपन, क्योंकि इसका जो लुक है इसके टेल लैंप से उसको मैच कराने के लिए इसको ओपन दिया गया है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रैब बार आपको मिल जाता है। हम लोगों ने बाइक का लुक देखा, सेफ्टी और कंफर्ट के बारे में जाने, अब हम बात करते हैं इसके इंजन का। तो इसमें आपको 124.45 सीसी का 4-valve 4-stroke SOSC इंजन मिल जाता है विथ 5-speed गियर बॉक्स के साथ, जिसका मैक्सिमम पावर जो है 6.33 किलोवाट एट 7500 RPM पर मिलता है और मैक्स टॉर्क जो है 9.81 न्यूटन मीटर एट 5000 RPM पर मिल रहा है। अब हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले का, इसमें आपको सेमी डिजिटल डिस्प्ले मिल जाता है, एनालॉग और डिजिटल दोनों। मैंने ये बाइक को ऑन किया तो ऑन करते ही आप देख सकते हैं इसने RPM को शो किया, और यहाँ पर डिजिटल में आपको फ्यूल गेज मिल जाता है, और राइट साइड के डिस्प्ले में आपको स्पीडोमीटर और ओडोमीटर यहाँ पर मिल जाएगा, और ऊपर आपको जो क्लॉक है उसका आपको बेनिफिट मिल जाता है। और लेफ्ट साइड में आपको गियर का पोजीशन दिखाएगा, न्यूट्रल है या कौन से गियर में है, और इलेक्ट्रिकल पार्ट का सब यहाँ शो करेगा कि इसका इंजन ऑन है और इलेक्ट्रिकल पार्ट प्रॉपरली काम कर रहे हैं। बैटरी की कंडीशन को यहाँ शो करेगा और इसके डिस्प्ले में आपको बजाज का लोगो भी दिख जाएगा। अब इसके साथ साथ जब हम यहाँ लेफ्ट हैंडल बार पर देखते हैं तो लेफ्ट हैंडल बार से आपको लो और हाई बीम का एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ से इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हैं। इंडिकेटर में आपको स्विच दिया गया है, यदि आपने लेफ्ट में किया है तो यहाँ से स्विच करके बंद कर सकते हैं, राइट में पुश करने की ज़रूरत नहीं, और राइट में किए हैं तो राइट का इंडिकेटर का काम हो गया तो यहाँ पर पुश कर लीजिए। और यहाँ पर फ्रंट में आपको पासिंग लाइट मिल जाएगा और लेफ्ट हैंडल बार पर आपको हॉर्न है, और राइट साइड में यहाँ पर किल स्विच मिल जाता है और स्टार्ट स्विच मिल जाता है। तो मैंने ये बाइक को ऑन किया और यहाँ पर आप देखिए लेफ्ट हैंडल बार पर जो स्विचेस हैं उसका जो पोजीशन है वो शो कर रहा है, यानी आपको अंधेरे में भी ये आपको हॉर्न दिखेगा, इंडिकेटर यहाँ पर शो होता रहेगा, और कौन सी बीम आप यूज़ कर रहे हैं, लो बीम हाई बीम वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और पासिंग का भी, तो ये आपको यहाँ से मिलता रहेगा। हम लोग बाइक के बारे में ओवरऑल जानने के बाद अब हम लोग बात करते हैं इसके प्राइस, कलर और माइलेज वगैरह का, और टॉप स्पीड क्या है। तो यहाँ के जो सेल्स इंचार्ज हैं हमारे अभिलाष भाई, वो अभी फर्दर डिटेल आप लोगों को बताएंगे। अभिलाष जी, मैंने ये बाइक देखा, काफ़ी अच्छी लग रही है और जो इसका कलर कंट्रास्ट है वो काफ़ी माइंड ब्लोइंग। तो इसका जो टॉप स्पीड है वो कितना है? ये इसका टॉप स्पीड सर 115 है, 115 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जाएगी। यस राइट। और इसका कलर ऑप्शन क्या क्या है? इसमें चार कलर अवेलेबल है अपने पास, ब्लैक, रेड, मेट में रेड है, और ग्रे में है, और
ऑरेंज में है और अपना ब्लू में मिल जाएगा। इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी क्या है? इसका 12 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी है। और माइलेज? माइलेज का 50 प्लस है। 50 प्लस माइलेज आ जाएगा सिटी में, हाईवे वगैरह पर, हाईवे पर जाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा है। अच्छा, तो इस खूबसूरत बाइक का टोटल ओवरऑल प्राइस क्या पड़ेगा? ऑन रोड प्राइस? ऑन रोड प्राइस का 120,000 है। हाँ, और आपके तरफ से कुछ गिफ्ट वगैरह थोड़ा बहुत उसमें कर देंगे, और कुछ एक्सेसरीज वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे, हेलमेट वगैरह, मिरर है, लाइक दिस, मिरर है, सारी गार्ड है, व्हील स्किन है, ये सब हम लोग इंक्लूड करके देंगे। इंक्लूड करके देंगे कुछ हेलमेट वगैरह? हेलमेट भी रहेगा, पार्किंग को रहेगा। अच्छा, ये सब आप देंगे? 5 साल का इंश्योरेंस भी रहेगा। अच्छा अच्छा, कुछ फाइनेंस की भी बात हमारी हो रही थी, तो इसका फाइनेंस का क्या है? फाइनेंस का आपका जो 80% फंडिंग करते हैं हम लोग, अगर जो कस्टमर को मतलब ज्यादा पैसा नहीं है उसका, 10,000-15,000 वो भी प्रोवाइड करते हैं, बशर्ते उसका घर यहाँ पर होना चाहिए, प्रॉपर यहाँ का एड्रेस है। हाँ, उसको 50% डाउन पेमेंट, यदि कोई रेंट पर है तो उसको फिर 20% उसको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। चलिए, लेकिन फिर भी अच्छा है, 20% पे करके अपनी बाइक यूज कर सकता है, अपना काम करेगा तो धीरे धीरे EMI पे करेंगे। तो ये तो ओवरऑल हम लोगों ने बाइक के बारे में जाना। अभी डायरेक्ट यदि किसी को आपको अप्रोच करना है, कोई खरीदना चाहता है, तो उसको आप अपना कांटेक्ट नंबर बता दीजिए ताकि डायरेक्ट आपसे अप्रोच करें। शुरू में अपना भाईकला ईस्ट में है, कांटेक्ट नंबर 9867642836। चलिए, बहुत अच्छी बाइक है, उम्मीद करता हूँ कि ये रोड पर ज़्यादा से ज़्यादा दिखे। चलिए, थैंक यू अभिलाष जी। तो ये था ओवरऑल इस बाइक के बारे में, काफ़ी अच्छी बाइक है, आप इस बाइक को लीजिए और अपना पर्पज़ सॉल्व करिए।